हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम किचन के यूटेंसिल को यूज़ करके ये ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल क्लॉक बना सकते हैं, जिसे आप वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं या फिर एज ए टेबल क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैंने यहाँ राजस्थानी टर्बन मैन का डिज़ाइन यूज़ किया है, जिसको हम अच्छे से पहले कट कर लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो आप इसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये पुरानी छलनी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें छलनी के साइज़ का कार्डबोर्ड का पीस कट कर लेना है। जैसे कि हमें इसमें से क्लॉक बनानी है तो छलनी और कार्डबोर्ड पीस दोनों के मिडल में हमें एक होल बनाना पड़ेगा। किसी भी शार्पन चीज़ का यूज़ करके आप इसमें होल बना सकते हैं। अब हम इस कार्डबोर्ड के पीस को छलनी के ऊपर स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे फेवी बॉन्ड यूज़ किया है। अब हम इसको अच्छे से पेपर टेप से पूरा कवर कर लेंगे। पेपर टेप से अच्छे से कवर करने के बाद अब हम इस पे दो कोट जेसो के लगाएंगे। मैं यहाँ पे होममेड जेसो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भी जेसो घर पे बनाना है तो उसका पूरा प्रोसेस आप मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था तो इसको जल्दी सुखाने के लिए मैं यहाँ पे हेयर ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस पे बेस कलर करेंगे। मैंने यहाँ पे एज ए बेस कलर क्रीम कलर चूज़ किया है। अब मैं इस पे ये मरून कलर का क्राफ्ट पेपर स्टिक कर रही हूँ। अब हम इस पे नंबर स्टिक करेंगे। नंबर स्टिक करने के बाद हमने जो ये टर्बन वाला जो डिज़ाइन था, जिसको हमने कट करके रखा था, उसको हम अच्छे से पहले प्लेस कर देंगे। और फिर एक बार ये अच्छे से प्लेस हो जाए फिर हम इसको उसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आई विश आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फीडबैक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग यूजफुल एज वेल एज यूनिक। सो अगर आपका टेस्ट भी ऐसा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ क्राफ्ट्स और DIYs, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब इसका साइड का पोर्शन कवर करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक लेसेस यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी साड़ी और ड्रेसेस में लेसेस लगाने के बाद कुछ टुकड़े बच जाते हैं, जिसका यूज़ हम ऐसे DIYs और क्राफ्ट प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। अब हम ये डिज़ाइन को मार्कर से थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ताकि ये खुल के आए और दूर से अच्छे से दिखे।
अब इसके बैक पोर्शन को भी कलर करके थोड़ा ठीक कर लेंगे। अब इसके बैक साइड में हम ये क्लॉक मशीन फिट करेंगे, जिसे लगाना बहुत इजी होता है और जो कोई भी क्राफ्ट शॉप में से आपको मिल जाएगा। तो लीजिए, हमारा क्लॉक रेडी है। इट लुक्स ब्यूटिफुल, इजंट इट? हे फ्रेंड्स, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर अदर अमेजिंग टॉप वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू सून। तब तक के लिए टेक केयर।